ओडिशा में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। हीराकुंड बांध में पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिसके बाद बांध के गेट खोलने का फैसला किया गया है और इससे हालात और बिगड़ने के आसार हैं। ओडिशा में बाढ़ से अभी तक 23 जिलों के करीब 10 लाख लोग प्रभावित हैं। सुबह बांध का गेट खुलने से हालात बिगड़ सकते हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने सेना को अलर्ट जारी कर दिया है। महानदी का ये पानी 36 घंटे में कटक पहुंचेगा। पेट्रोलियम राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में बाढ़ के संकट पर चिंता जाहिर की। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पीएम और गृह मंत्री को इसकी जानकारी दे दी गई है और उन्होंने मदद का भरोसा दिया है। 12.5 क्यूसेक पानी का प्रभाव होने वाला है, इसमें से बहुत एक बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। आज देश के गृह मंत्री जी को हम उस विषय पे अवगत कराए, सुबह मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अवगत कराया था ये विषय पे और दोनों ने आश्वस्त किया है और स्वयं गृह मंत्री जी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी से भी बात किया। एनडीआरएफ की टीम हेलीकॉप्टर भी जो उड़ीसा से मांगा गया है सब उसको मदद की व्यवस्था किया गया है। छत्तीसगढ़ के कई इलाके भी इन दिनों